नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। दोस्तों क्या है अभी तक के डिफेंस अपडेट्स, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। रूस की वायुसेना के लिए SU-30 SMS-2 फाइटर जेट के विकास पर वो लोग काम कर रहे हैं और रूस चाहता है कि ये भारतीय SU-30 MKI के अपग्रेडेशन प्रपोजल का आधार हो, जिसके लिए भारत और रूस की कंपनियां आपस में बात कर रही हैं। रूस वर्तमान में AL-31F इंजनों को AL-41F IS इंजन के साथ SU-35 विमानों से बदलने की आवश्यकता पर काम कर रहा है, जो कि बढ़ते हुए थ्रस्ट के साथ आते हैं, ताकि इनका उपयोग भारी एमुनेशन ले जाने के लिए किया जा सके। और रूस इसी तरह से चाहता है कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं SU-30 MKI के, वो भी भविष्य में इस तरीके के भारी एमुनेशन को ले जा सके इस इंजन के साथ। वहीं HAL ने पायलट और हथियार सिस्टम ऑपरेटर कॉकपिट के पैनलों पर काम किया है, साथ ही विमान के लिए दर्जन से अधिक स्वदेशी एवियोनिक्स और कंपोनेंट्स को शामिल किया है, जिसमें नए और उन्नत मिशन कंप्यूटर शामिल है, जो वर्तमान में भारत को हाई कंप्यूटिंग पावर्ड और उत्तम MK-3 आईसा फायर कंट्रोल रडार के साथ बदला जाएगा। रूस उन्नत सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए भारी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को अधिक से अधिक अपने इस फाइटर जेट में बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में AL-31F इंजन इसके लिए पर्याप्त क्षमता वाला नहीं है और AL-41F1S इंजन अतिरिक्त थ्रस्ट के साथ उड़ान भर सकता है, जो कि वेट के साथ यानी कि भार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भारत का सुखोई 30 बेड़ा 25 साल पुरानी तकनीक पर आधारित है और अब इसका मिड लाइफ अपग्रेड का समय है। रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि AL-41F1S इंजन एक बेहतर सेवा रिकॉर्ड के साथ है, जिसका डाउन टाइम भी कम है, और एक नए इंजन के साथ पूरे बेड़े को स्वैप करने से इसका डाउन टाइम और कम हो जाएगा और सभी नए उन्नत सिस्टम इस फाइटर जेट को और अतिरिक्त पावर देंगे। यानी कि रूस अब भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए अपने AL-41F1S इंजन का प्रस्ताव भारत को दे रहा है, और भारत को भी इस वक्त जरूरत है कि अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, क्योंकि काफी सारे कंपोनेंट्स भारत ने स्वदेशी रूप से इसके बना लिए हैं। और ऐसे में बात जब इंजन की आती है तो सुखोई 30 MKI में रूसी इंजन लगे हुए हैं और रूस अपग्रेडेड इंजन भारत को प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI की सबसे ज्यादा फ्लीट है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को रूस के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लेकर बताएं। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, जो कि UK और भारत को लेकर आ रही है। UK ने भारत को मीटियोर MK-2 BVRAM 7 में बनाने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय को संयुक्त रूप से एयर टू एयर मिसाइल का को डेवलपमेंट का ऑफर UK के द्वारा दिया गया है, जो कि MBDA के द्वारा मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यही नहीं, आपको बता दें कि MBDA ने फ्रांस के साथ भी मिसाइल तकनीक की पेशकश की है। नए डेसॉल्ट फाइटर जेट पर भी ये मिसाइल लगकर आएगी। भारतीय वायुसेना चाहती थी कि वे मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर जेट जैसे कि सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और LCA तेजस MK-1 बेड़े में लैस करे, लेकिन फ्रांस ने इसे गैर यूरोपियन रडार के साथ एकीकृत करने से यानी कि इंटीग्रेटेड करने से इनकार कर दिया, और मिराज 2000 के बेड़े में कार्यक्रम के लिए ये बहुत महंगा, साथ ही इसके इंटीग्रेशन की लागत को भी भारत के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको ठुकरा दिया। वहीं जापान को भी अपने F-35 बेड़े के लिए मैच्योर मिसाइल लेने के लिए इसी तरीके के मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अब यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त नई एयर टू एयर मिसाइल JNAM के नए विकास के लिए MBDA UK के साथ संयुक्त साझेदारी के रूप में प्रवेश कर चुका है। जापान BVRAM की सटीकता और प्रदर्शन को बढ़ाने और JNAM के विकास का समर्थन करने के लिए AM-48B मिसाइल के लिए मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित एक उन्नत रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर टेक्नोलॉजी को एकीकृत करना चाह रहा है, और भारत को भी MBDA UK इसी तरीके की पेशकश कर रहा है। लेकिन भारत रूस के साथ भी अपनी मैच्योर मिसाइल की तरह सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, जिसे कि SFDR कहा जाता है, जिसे कि बाद में अस्त्र MK-3 कहा जाएगा, उस पर काम कर रहा है, जिसकी तकनीक अभी भी परीक्षण के चरण में है। इसके लिए कुछ वर्षों की आवश्यकता होगी इससे पहले कि वो उत्पादन में प्रवेश कर सके, और इस मिसाइल को भी मैच्योर क्लास के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि मैच्योर मिसाइल को एक नई तकनीक के रूप में भारत के साथ UK बनाने का प्रस्ताव दे रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर UK भी नहीं चाहता कि उसके संबंध किसी और देश के साथ खराब हो, खास करके फ्रांस के साथ। तो ऐसे में अगर वो यहाँ पर मैच्योर मिसाइल एक नई तकनीक के आधार पर बनाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि भारत इसे सुखोई या फिर अपने मिराज या फिर LCA तेजस MK-1 बेड़े पर लगा सकेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।